कि देख इसको, इससे सीख कुछ। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। मैं भी यहाँ पर एकदम मजे में, और बाकी मैं आया हूँ अभी टैंक के पास, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आता रहता हूँ। और आज भी मैं अकेला हूँ, पता नहीं आज भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कहाँ पर चला गया, वो घर में ही होगा या कहीं गया होगा। वैसे वो घर में कम समय रहता है, इधर उधर ज़्यादा नाचा होता है, तो अभी उसका पता नहीं है क्या सीन है। अगर उसको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो खुद बे खुद आ जाएगा, फ़ोन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे फ़ोन कर रहा था, मतलब कि आ जाएगा। बाकी यार एक चीज़ है कि भंडारे का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। आज सुबह मैं जब सोकर उठा, मैंने मम्मी को फ़ोन किया और पता चला कि भंडारा वगैरह जो है पूरा कैंसिल हो चुका है। अभी कैंसिल हो चुका है तो क्या ही कर सकते फिर। बाकी कैंसिल होने का मैंने मम्मी उसके बाद ऊपर आई थी यहाँ को गुदगधार, तो उसके बाद मैंने पूछा उनसे कि कैंसिल होने का रीज़न क्या है। तो उन्होंने बताया कि दो पंडित जो है आपस में लड़ गए थे, अभी ये भंडारी कैंसिल होने का रीज़न है या पता नहीं क्या सीन पानी है उनका, पर इसकी वजह से मेरे को नहीं लगता है भंडारा कैंसिल होगा, कोई और बड़ा सा मोटा सा रीज़न होगा। अभी उसका पता तो तभी चलेगा जब मैं नीचे जाऊँगा, अभी तो मैं फ़िलहाल यहीं पर घूम रहा हूँ। शायद से मैं कल नीचे जाऊँगा कपड़े वगैरह को पहन कर भी। यार पूरे तीन चार दिन हो गए यार, इतने ज़्यादा नहीं, तीन चार दिन हो गए हैं, तो कपड़े वगैरह भी पूरे चेंज करेंगे। और शायद मैं कल से लेकर नीचे ही मिलूँ आपको रूम में ही, क्योंकि यहाँ पर अब मेरा जो है टाइम खत्म हो गया, अभी रिजल्ट आने की तैयारी में है। और गाइस नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेनी पड़ेगी। बाकी यार आज थोड़ी थोड़ी सी हवा भी चली, शायद से आपको आवाज़ें भी आ रही होगी हवा की, तो उसके लिए यार मेरे को माफ़ करना, क्योंकि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। अभी हवाएं तो चलेगी यार, इनको रोक थोड़ी सकते, पानी और हवा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जिनको रोक नहीं सकते। वैसे मेरे बस में तो कुछ भी रोकने के लिए नहीं है। बाकी अभी मैं इस वाले रास्ते में जा रहा हूँ, ये रास्ता मैं देखता तो डेली हूँ, हमेशा हूँ, जब भी मैं ऊपर आता हूँ टैंक के पास, लेकिन मैं आज पहली बार इस वाले रास्ते में आ रहा हूँ, तो देखता हूँ ये कहाँ को जाएगा। वैसे तो ये खेत को ही जाएगा यार, क्योंकि आगे खेत है वो मैंने देखे है, बस इस रास्ते में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। और एक चीज़ आपको गाइस मैंने बतानी थी यार, कि देखो कुछ मेरे दोस्त हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, मेरे कुछ दोस्त हैं और कुछ और भी होंगे लोग, तो क्या करते हैं कि जब उनकी मम्मियाँ मेरी वीडियोस देखती है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए सबसे पहले, तो बाकी यार उनको सुनाती बहुत है, मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो जब उनकी मम्मियाँ वीडियो देखती है तो उनको कहती है कि देख इसको, इससे सीख कुछ, मतलब इतना अच्छा टैलेंट है इसके पास, तेरे पास भी है कुछ, वैसे वैसे करके बोलने लग जाती है बहुत कुछ। तो आंटी मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका बेटा मेरे से भी अच्छा कर सकता है, उसके पास मेरे से अच्छा कुछ ना कुछ जो है टैलेंट होगा, और होगा ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, सबके अंदर टैलेंट होता है। कईयों बंदे मेरे पास आते हैं कि भाई जरा थोड़ी सी राय दे हमारे को कि हमें आगे फ्यूचर में करना क्या चाहिए, तो अभी देखो यार मैं क्या राय दूँ, आप लोगों को खुद को पता होगा कि यार तुम्हें मतलब करना क्या है। अगर तुम्हारे को नहीं है ना, तो पता क्या करो कि जो जिस चीज़ मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ करो जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है, जब जिस काम को करने में तुम्हारा मज़ा आ रहा है, जब तुम्हारा किसी भी काम को करने में मज़ा है ना, समझ लो वही चीज़ तुम्हारे जो है काम आने वाली है लाइफ टाइम तक। मेरे को तो अपना भी पता नहीं है, मैं आपको बता दूँ तो मेरे ऐसा फिक्स ड्रीम तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रीम तो मेरा यूट्यूबर बनना ही है, और उसके बाद मेरे बहुत सारे ड्रीम आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया आर्ट में अच्छी कर लेता हूँ, और भी बहुत कुछ है, मैं अगर बताने लग जाए तो लिस्ट पूरी बन जाएगी। तो वैसे मैंने बहुत सारे ड्रीम्स सोच के रखे हुए हैं। अब कई लोगों को जो है फ़ोन चलाना पसंद होता है, तो फ़ोन चलाओ यार, फ़ोन में मतलब ऐसा थोड़ी फ़ोन चला रहे हो, तो इसके बारे में आगे रिसर्च करते रहो और उसकी वीडियोस बनाते रहो, यूट्यूब पर डालते रहो। बहुत लोगों को जो है दिक्कत आती रहती है, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि कहां से क्या होता है और क्या करके क्या होता है। तो वैसे करके यार अभी किसी और चीज़ में इंटरेस्ट तो वो कर दो, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है ड्राइंग करो, ड्राइंग की वीडियो यूट्यूब पर डालो, ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पर डालो, कुछ ऐसा करो। अभी मैंने सोचा है कि मैं प्लस टू के बाद जो है फाइन आर्ट करने शिमला जाऊँगा, अभी उसके बाद मैंने नहीं सोचा मैं फाइन आर्ट करके करूँगा क्या, क्योंकि होता है ना कि अभी फाइन आर्ट में कर रहा हूँ तो आगे मैं क्या करूँगा यार, तो वैसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अभी मैं फाइन आर्ट तो करूँगा, लेकिन आगे क्या करूँगा उस फाइन आर्ट को करके वो मेरे को नहीं पता है। हर एक काम जो है करके देख लेना चाहिए, फिर उसके बाद जाकर पता चलता है कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है। भी पेड़ से सीख कर तो कोई नहीं आता, सीखना तो सब कुछ यहीं पर होता है। मैं आपको बता दूँ जो मेरे कंटिन्यू व्यूअर है, मतलब जो मेरी वीडियोज़ जो है बहुत ज़्यादा पहले से देखते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पहले से तो क्या, मतलब जब से चैनल शुरू किया है तब से जो मेरी वीडियोज़ देखते आ रहे हैं उनको भी दिख रहा होगा मेरे में इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुई है। जब मेरी शुरू में वीडियोज़ होती थी उसमें मैं हकलाता बहुत ज़्यादा था और कहीं कहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाता था कि बोलना क्या है आगे जाकर, लेकिन जब इस चीज़ को करते रहते तो खुद ब खुद जो है परफेक्ट हो जाती है उस चीज़ में। अभी मैं परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, मैं आपको बता दूँ, वैसे मैं अकेले में तो बहुत ज़्यादा खुल के बात कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं पब्लिक में चाहे एक भी कोई इंसान आगे से आ रहा हो या पीछे से कहीं से भी आ रहा हो, तो मेरी जो है मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता व्लॉगिंग, मैं वहीं पर वीडियो बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो तब बनाता हूँ जब वो जो है वहाँ से चला जाता है। तो ऐसा होता है, मतलब परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, नर्वस मैं भी फील हो जाता हूँ, लेकिन एक टाइम ज़रूर आएगा कि जब मैं जो है पूरे खुल के बात कर सकूँगा पब्लिक के, हो चाहे जो मर्जी, मेरे को उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ है। बाकी एक गाना है जो मेरे को पता नहीं क्या उस गाने में ऐसा है जो मेरे अंदर एनर्जी भर देता है ब्लॉग बनाने के लिए, जो है मेरे को एनर्जी से पूरा भर देता है, तो वो गाना आपने ज़रूर से सुन लेना है।
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उस गाने का डालकर दे दूंगा। उस गाने का नाम है काली जलेबी और वो यहीं से सिराजी भाई हैं हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने वो गाना गाया है। तो उस गाने में पता नहीं ऐसा क्या है कि मेरे अंदर एनर्जी सी आ जाती है उस गाने को सुनकर। तो आप लोगों ने भी जरूर से सुन लेना है और उसको समझना है, मतलब सुनना नहीं समझना भी उसमें कहा क्या गया है। आज की वाली वीडियो में मतलब ज़्यादा कुछ खास तो होने नहीं वाला है, बस एक ही चीज़ है कि थोड़ा ज्ञान आप लोगों को भी मिल जाएगा मेरे से, जहाँ तक मेरे को पता है तो सब लोगों को ये चीज़ मालूम होगी। लेकिन क्या होता है कि मैंने बहुत बार वीडियोस देखी है YouTube वगैरह पर, कहीं पर भी इधर उधर, तो उनको जो कुछ वो बोलते हैं वो सब कुछ मेरे को पता होता है। बस एक चीज़ है कि उसको मैं आगे फॉलो नहीं करता हूँ यार। वही चीज़ आपको करनी है कि जो आपको पता, तो वो चीज़ जो मैंने जो कुछ भी बताया वो चीज़ आपको सब चीज़ पता है, लेकिन आप लोग फॉलो कुछ भी नहीं करते हो। तो यही चीज़ है, बस कोई ऐसी चीज़ ही होती है जिससे कि हमें पता चल सके कि वो चीज़ क्या है। मतलब अभी मैंने बता दिया, किसी को जो है इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में नहीं होता है, तो वो एक बार कुछ ना कुछ एक एक चीज़ ट्राई ज़रूर से कर देखे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जहाँ पर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, एक ना एक चीज़ ज़रूर से ऐसी होगी जहाँ पर उसका इंटरेस्ट होगा। और जब वो चीज़ उसको पता चल जाएगी, उस काम को करने में उसको मज़ा आने लगेगा और उसको तब जाकर पता चलेगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इस वाली तरफ में है। अभी बहुत होगी ज्ञान की बात। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा कि देखो, बोर होता हूँ मैं दिन भर, आप लोग भी होते होंगे, तो इससे बोरिंग से बचने के लिए मैं क्या क्या करता हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, शायद आपके भी किसी काम आ जाए। तो देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि तेरे पास फ़ोन है तू बोर नहीं हो सकता, और जिसके पास भी फ़ोन होता है वो बोर नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है, जिसके पास फ़ोन होता है वो भी बोर होता है। देखो, अभी फ़ोन भी कितना चलाओगे तुम, चलाओगे मुश्किल से 2-3 घंटे 4 घंटे तुम चला लोगे, उसके बाद तुम्हें फ़ोन छोड़ना ही पड़ेगा। एक ना एक मजबूरी ऐसी आ जाएगी फ़ोन छोड़ने की, तो देखो उसके बाद तुम्हें बोर ही होना है। तो इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ करो ताकि तुम्हारा दिमाग जो है काम करता रहे और तुम्हें बोरिंग भी फील ना हो। अभी कुछ ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ अपना। तो जब मैं बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड बोर हो जाता हूँ यहाँ पर गुदकधार में, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सो जाता हूँ, और आप लोग भी सोते होंगे। अभी देखो, ज़रूरी नहीं है कि सभी को सोना है, कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी होता है कि दिन के टाइम पर मैं सो जाता हूँ, रात को फिर नींद नहीं आती है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इसलिए इस चीज़ का अभी मैं कुछ नहीं कर सकता भाई मेरे। तो क्या करना है कि अगर किसी को ऐसा होता है, एक बार ट्राई करके ज़रूर से देख लेना दिन के टाइम पर, जब भी कभी बोर हो, दिन के टाइम पर ज़रूरी नहीं है, जब भी कभी बोर हो सो जाना है आप लोगों ने। अगर नींद नहीं आ रही है तो गाने वगैरह सुनने हैं आपने, मैशअप वगैरह, और उसको सुनकर जो है सो जाना है। बहुत ज़्यादा मस्त सी नींद आएगी, मैं आपका आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और बाकी एक चीज़ मैं और करता हूँ, अभी यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो नीचे रूम में जब मैं होता हूँ, तो जब भी मैं बोर होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को ड्राइंग आती है इसीलिए मैं ड्राइंग बनाता हूँ, आप लोग भी ड्राइंग बनाओगे ना। अभी देखो, मेरे को ड्राइंग बनानी, पहले मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो पहले मेरे को नहीं आती थी ड्राइंग बनानी, मैं रोता था कि मेरे पास ये चीज़ है क्यों नहीं बनती है वगैरह वगैरह करके। लेकिन अब वही चीज़ मैं मतलब बिना देखे भी बना सकता हूँ, इतना ज़्यादा मैं परफेक्ट हो चुका हूँ उस वाली चीज़ में। अभी आप लोग भी अगर बोर हो रहे हो तो ड्राइंग जो है सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होता है कि दिमाग भी अपना जो है काम करता रहता है और आप लोगों को बोरिंग फील नहीं होती। और एक चीज़ है कि इसके साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। अभी आप लोग कोई भी चीज़ बनाने लग जाओ कि मान लो आप लोग परफेक्ट हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आप लोग परफेक्ट नहीं हो मेरी तरह, तो क्या करना होगा कि सोचना पड़ेगा आपको, यहाँ से अब मैं ऐसे करूँगा, नहीं ये सही नहीं बना है, उसके बाद मिटा दोगे, फिर दोबारा से ऐसे करके आपका जो दिमाग है सोचता रहेगा तो बोर आप नहीं होगे, बोरिंग फील आपको नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ किया करो, मतलब जो ताकि आप लोग बोर ना हो। तो ऐसी थी यार आज की सारी वीडियो, मतलब वीडियो में ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने ज्ञान आप लोगों को दे दिया यार, छोटे भाई का ज्ञान। लेकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना, और नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालकर दे दूंगा, आपने वो गाना जरूर से सुन लेना। तो आई होप यार आपको आज की वाली जो वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए उस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दे। और जिस चीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज़्यादा से फॉलो करो। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।